This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दो लेक्चर्स में जो बेसिक आइडियाज दिए, जो पिलर आप लोगों की जो बनाने का मैंने आप लोगों को गाइड किया, जो फाउंडेशन आप लोगों की मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, वो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गई होगी। वालेकुम सलाम। और बेसिकली आज का लेक्चर हमारा लेट इसलिए हुआ कि थोड़ा सा लाइट का मसला था। सुबह से लाइट नहीं थी, UPS डेड हो चुके थे और लैपटॉप भी बिल्कुल डेड था, जिस वजह से ये आज लेट हो गया। अदरवाइज लेक्चर जो है वो 8 o'clock स्टार्ट हो जाया करेगा, 7:45 से 8 o'clock यही टाइम हमारा हुआ करेगा जुम्मा और हफ्ता को। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम जी। समर, आप जो है ना जो सीक्रेट ग्रुप बना हुआ है वहां पर पोस्ट कर दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया। नीच आइडियाज आप कहाँ से ले सकते हो ताकि आप अपनी एक सक्सेसफुल एडसेंस की वेबसाइट स्टार्ट कर सको। ठीक है, एक टूल है हमारे पास, उसका नाम है flippa.com। flippa.com जो है ये PTCL पे तंग करती है और नीचे नाम दे रहा है इसको भी। PTCL कनेक्शन पे तंग करती है और जो है मोबाइल पे जो हम डाटा ऑन करके करते हैं स्टार्ट, उस पे ये बिल्कुल स्मूथली चलती है flippa.com। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको RDP के जरिए कनेक्ट करूं। ओके, ठीक हो गया समर। चलिए flippa.com, इधर आके आपने चूज करना है वेबसाइट, एस्टेब्लिश साइट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसेंटली सोल्ड का स्टेटस, इसको चूज करना है। ठीक है, अब बेसिकली आप सीखने जा रहे हो, आइडियाज लेने जा रहे हो, प्लस कंपेटिटर एनालिसिस ये सीखने जा रहे हो कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, कैसे एक ऑलरेडी सक्सेसफुल जो
बिजनेस होता है उसको कॉपी किया जाता है, कैसे सेम आइडिया पे काम किया जाता है, कैसे आप जो है वो एक फ्लॉप होने से अपने आप को बचा सकते हो बेसिकली। ये है जी वॉर्म शेफ अबाउट एयर कंप्रेसर, ये आ रहा है मोनेटाइजेशन एडसेंस रीडर चॉइस टीएन Atlassian.com के नाम से है। और एक और है जी बाइन बिंगी पोस्ट। ठीक है, अच्छा ये है जी warmchef.com साइट का नेम है जी। ये मैं अब कंपेटिटर एनालिसिस कर रहा हूँ। साइट नेम warmchef.com। मोनेटाइजेशन है जी गूगल एडसेंस, जिनके गूगल एडसेंस से ये लोग पैसा बना रहे हैं। नीच क्या है इसकी? ये है जी कुकिंग ब्लॉग। आपको नीच का आइडिया हो गया? अब कुछ लोग कहते हैं हमें नीच का आइडिया नहीं मिलता, हम साइट कैसे स्टार्ट करें, तो ये मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ कि जहां से मैं और मेरी तरह के और जो एसईओ करने वाले जो है हम लोग कहाँ से आइडिया लेते हैं, दूसरे लोगों के जो सोल्ड बिजनेसेस होते हैं। बेसिकली फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे साइटें सेल होती हैं, साइटें बिकती हैं, ये एक आइडियाज जनरेट करने का प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टर हमेशा वहां पैसा लगाता है जहां से उसको प्रॉफिट होता है, कभी भी ऐसी जगह पे वो पैसे नहीं लगाता जहां पे उसको नुकसान होता हुआ नजर आए। तो अब आप ये देखो किसी बंदे ने ये वेबसाइट जब खरीदी है, ठीक है, सोल्ड बाय वेब क्लासिफाइड, $30,000 की ये जो वेबसाइट सेल हुई है 35 दिन पहले, तो ये किसी ने ऐसे नहीं खरीद ली होगी। 3 साल पुराना 3 years old कुकिंग ब्लॉग है ये। 1,100 नेट प्रॉफिट पर मंथ जनरेट करा था अमेजोन एसोसिएट से, मीडिया वाइन से, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि किस किस तरह से पैसा कमाया, फूड एंड ड्रिंक। अच्छा वो साइन इन करेंगे तो ये लॉग इन होने देगा। मस्त अकाउंट बना रहा, मजीद स्टैट्स देखने के लिए उसमें अकाउंट बनाओ। तो मैं जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना लॉगिन पासवर्ड निकाल लेता हूँ। मैंने पहले इस पे बनाया था फ्लिपा पे, पुराना है मेरा अकाउंट इस पे।
जस्ट होल्ड ऑन, मैंने स्क्रीन खुद ही पास की। हाँ जी अच्छा जी, हो गया लॉगिन। अच्छा भी आप लोगों को भी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, लॉग इन होने का फायदा ये होता है कि मैं फिर इसकी जो स्टैट्स है ना वो प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाती हैं। असल में इस प्लेटफॉर्म का मैं आपको फायदा बताता हूँ कि फ्लिपा एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर आता है, अपनी वेबसाइट का कट्ठा छट्ठा खोल देता है, कैसे पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जो नया न्यू बायर है उसको जब तक पूरी मालूमात नहीं मिलेगी वो उस बिजनेस को बाय नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम एसईओ करने वाले, जैसे गूगल एडवर्ड्स बना हुआ है, जो पेमेंट दे के गूगल से ट्रैफिक लेते हैं, उनके लिए हम गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर को यूज करते हैं अपने एसईओ के पर्पस के लिए। इसी तरह हम एसईओ करने वाले नीच का आइडिया लेते हैं फ्लिपा पे, और कहाँ से लेते हैं, जो लोग अपनी वेबसाइट बेचने आते हैं हम उनकी साइटों से ही आइडिया कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, व्हाटएवर, इसको आप जो मर्जी समझो, बट ये हमारे लिए गनीमत से कम नहीं है कि हमारे पास नीच का आइडिया के लिए फ्लिपर डॉट कॉम अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से हमने आइडिया ले लिया, अब इसने यहाँ पर डिटेल में बताया होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है। ठीक है, जब उसका पर मंथ का यूनिक यूजर पेज व्यूज क्या है, सारी डिटेल इसमें आ रही होती है, और ये वेरीफाइड होता है, ये अपनी तरफ से मेंशन नहीं वो कर सकते। एनुअल रेवेन्यू ये है $14,000, एनुअल एक्सपेंस एक्सपेंसेस $1,200 है। ठीक है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है वो भी ऊपर डिस्प्ले था। ये नीचे जी, ठीक है, यहाँ से आपको नीच का आइडिया बिल्ड ऑन वर्डप्रेस द साइट प्राइमरी मेक्स इट्स मनी थ्रू प्रोडक्ट रिव्यूज दैट क्रिएट रेवेन्यू बाय एफिलिएट लिंक्स टू अमेज़न कुकिंग टिप्स प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक एंड दिस पेज प्रोड्यूस इनकम वाया डिस्प्ले एंड वीडियो एड्स फ्रॉम द मीडिया बाइंग एनिमल पर। एक और है जी इसमें मोनेटाइजेशन मीडिया बाइंग और वीडियो स्पॉन्सर Amazon। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक सर्च विद द मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम विद इन द यूएसए बिजनेस आल्सो बूस्ट 20K ईमेल सब्सक्राइबर ओनली गेट पर ईमेल पर वीक नेक्स्ट स्पेंड ट्रैफिक पर ईमेल मोर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द मेलचिम अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट फॉर फेसबुक मोर देन 1000 लाइक्स देयर इज अ स्मॉल पीबीएन ऑफ 10 साइट एसोसिएटेड विद द साइट 3 आर्टिकल लिंक्ड each so the network can stay in peace in place apart of the sale at no extra cost to the buyer। सारी डिटेल बताई हुई है साइट क्यों जो है वो रन हो रही है। Amazon affiliate links, Amazon display ads and media buying, display ads from media buying, सारी डिटेल बताई हुई है। ठीक है, हमें यहाँ से, अच्छा इसके बाद एसईओ का आइडिया देखते जाओ। व्हाट इज योर ट्रैफिक एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, मोस्टली एसईओ एंड ईमेल विद सम सोशल मीडिया।
एस यू जनरेट सारी डिटेल बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का बताया हुआ है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ इसमें बताया होता है। हमें यहाँ से इसका साइट का नाम, मोनिटाइजेशन, एडसेंस, इसमें ऐड नहीं है बट आपने एडसेंस वाली साइट ढूंढनी है, ठीक है। जब नीच का पता चल गया, सोल्ड इन कितने में साइट बिकी, $30,000, और ये पर मंथ जनरेट कर रही थी $1,100। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आइडिया मिल गया। अच्छा, साइट एज जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी में, आपके जो आप स्टार्ट करना करने जा रहे हो बिजनेस, उसके अंदर साइट एज है जी 3 इयर्स, ये लिखा हुआ है। ये एसईओ में मेन फैक्टर होता है साइट एज का है, 3 इयर्स, 3 साल पुराना साइट, 3 साल पुरानी साइट है। अच्छा जी, जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया, वर्डप्रेस। अच्छा, उसके बाद प्लगइन्स कौन से यूज किए गए, थीम कौन सा यूज किया गया। अब हम जा रहे हैं वेबसाइट की तरफ। उसके बाद इंडेक्स्ड पेजेस आपने देखने, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे पहले आपने निकाले। अब हम आ जाएंगे इंडेक्स पेजेस, साइट लिख के वेबसाइट का नाम लिखा, वो मैं warmchef.com लिख दिया। 513 पेजेस हैं टोटल इंडेक्स। आपने कैसे इसको देखा, साइट नेम सेमी कॉलन, आगे साइट का नेम डॉट कॉम, ठीक है। जैसे कि warmchef.com तो मैंने साइट सेमी कॉलन warmchef गूगल में जाके, ये आपने कंपेटिटर एनालिसिस समझना है, इसके बगैर आप एसईओ में फ्लॉप हो। अगर आपको कंपेटिटर एनालिसिस नहीं आते या नहीं समझ आती, इस लेक्चर को बार बार देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी वजह से तो एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं हमेशा, और अबव 80% जो सक्सेस की रेशियो है वो होती है जो काम कर रहे होते हैं। बाकी 20% इसलिए नहीं होती कि वो काम मुसलसल नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, जो प्लगइन्स है वो कैसे पता चलेगा, मैं साइट के अंदर लॉगिन हो गया, ये देखिए मैंने साइट को एक्चुअली लॉगिन बोला, साइट को मैंने ओपन किया, ब्राउजिंग ब्राउज किया, व्यू पेज सोर्स राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कंट्रोल एफ प्लगइन्स, ऐसे मैं करूँ WP डैश कंटेंट प्लगइन्स सोशल वारफेयर, एक प्लगइन है सोशल वारफेयर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। हेडर फुटर एलिमेंटर ये आ रहा है इस तरह ना, मैं सारे प्लगइन्स को अपने पर नोट कर लूंगा, ठीक है। थीम, एस्ट्रा थीम, ठीक है। यानी कि अपने कंपेटिटर के तमाम वीक पॉइंट प्लस जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, प्लस कितने पैसे कमा रहा था, कितने में बिकी, नीच क्या है, सब आइडिया में आया। एक्चुअली नीच का आइडिया लेने के लिए था, मगर मैंने उस साइट का तमाम कट्ठा छटा खोल दिया कि अगर मुझे ऐसी साइट बनानी पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2 है, फाइंड
7 just sold Google AdSense websites and do competitor analysis. क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आप लोगों ने ऐड करनी है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर रैंकिंग, कितने कीवर्ड्स इस वेबसाइट के रैंक करें। साइट का नाम कॉपी किया, आपने आना है जी, हमने आना है जी smraj.com में। ये हमारा SEO का पहला टूल होगा, SEO के चार मेजर टूल्स हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। smraj, majestic, ahrefs, मोज, smraj, majestic, href एंड मोज। यहाँ पे मैं साइट का यूआरएल पेस्ट करूंगा wamshak.com। अच्छा इसमें पहले पाकिस्तान ऐड नहीं था, अब पाकिस्तान भी इन्होंने ऐड कर दिया है, और जो है ये यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो हम वेबसाइट पुट करें वो कितने उसके कीवर्ड्स रैंक करें। जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है 13,000 टोटल कीवर्ड्स रैंक करें 13K, ठीक है। तो हमें इन चीजों का, अपने कंपेटिटर की इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ये तो एक साइट थी, मैं आया इधर होम पेज पे, flipkart.com पे, रिसेंटली सोल्ड, ओपन को खत्म कर दिया। यहां से आपने साइटें निकाली है, ये मैंने टेक बाय LWS साइट खोली थी। आप देखोगे ए बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट बिजनेस इन द टेक्नोलॉजी नीच, यहाँ से एक और हमें मिल गया आइडिया, नीच टेक्नोलॉजी। आज का जो लेक्चर है इसके बाद आप लोगों ने नीच के आइडियाज जनरेट करने हैं और मेरे साथ शेयर करनी है, ये असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2। और जो लेक्चर नंबर 2 था वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और ये जो 3 है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए वो प्रीवियस असाइनमेंट बनाना आसान हो जाएगा। ये जो अभी मैं साइट खोली खोली बैठा हूँ ये है टेक्नोलॉजी नीच, साइट का नेम है जी, ये इधर टॉप पे नजर आ रहा था टेक बाय LWS.com, ठीक है। कह रहा है कि 450 ओरिजिनल पोस्टें हैं और 29 शेड्यूल्ड पोस्टें, $8,200 की ये सेल हुई है साइट 91 दिन पहले, ठीक है। अ बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट बिजनेस इन द टेक्नोलॉजी नीच मेकिंग $435 फ्रॉम एडसेंस, दिस एवरग्रीन नीच, एवरग्रीन होता है कि ना खत्म होने वाली, इस बंदे का काम ही साइटें सेल करना। अब ये देखो इसने $11,00,000 बना लिया है साइटें सेल कर करके, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जो साइटें पैसे दे रही होती हैं उनको बेचा क्यों जाता है, ये भी एक सवाल आता है, तो मैं बता देता हूँ।
जब आपका एक फॉर एग्जाम्पल आपकी एक साइट चल पड़ी है, वो 300-400 डॉलर पर मंथ का दे रही है, तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इजीली फ्लिपा पे सेल कर सकते हो और उससे बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उस साइट को खड़ा करने में आपका लगा 3,000 डॉलर एग्जाम्पल है, और वो आपको महीने का 200-300 डॉलर देने लग गई एक वेबसाइट। आपने जो 3,000 डॉलर लगाया उसको आपने पर मंथ का आपको देने लगी 300 से 400 डॉलर, तो वो कम अज कम 3 से 4 हजार डॉलर की बिक जाएगी और आपको यकमुश्त पैसे मिल जाएंगे अपकमिंग 5-6 महीने के। ठीक है, अब जो यकमुश्त पैसे आपको मिले उससे आपने क्या करना है, एक उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। ठीक है, या आप 10 साइटें लेके चल रहे हो, उनमें से एक साइट बेची और बाकी 9 साइटों को आपने सपोर्ट किया, या आप 10 साइटें लेके चल रहे हो, आपने 5 साइटें बेच दी, बाकी 5 साइटों को सपोर्ट किया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। इसको क्विक मनी बोला जाता है, जल्दी पैसा कमाने का जरिया। ठीक है, जिस तरह से आप इसको ये कह सकते हो कि स्लो स्लो, आप अगर 300 डॉलर दे रही थी तो आपको 6 महीनों में 1,800 डॉलर देती, बट वो आपकी 3 से 4 हजार डॉलर में साइट सेल हो गई और आपने उस 6 महीना में 2 साइटें वैसी वैसी या उस और नीचे अपनी चेंज कर ली, आपने 2 साइटें और खड़ी कर ली। तो ये बड़ा इसका आसान सा जवाब है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है एक साइट को रैंक करवाने के बाद, उसको प्रॉपरली डिस्प्ले किया फ्लिपा पे और बेच दिए। और बहुत से मुझसे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने मुझसे एसईओ सीखा और आज मैं तुमको 3 साल बाद या 4 साल बाद देख रहा हूँ, तो वो एसईओ जो उन्होंने सीखा उससे उन्होंने साइटें रैंक करवा के वो बेच दी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। साइटें बनाते हैं, रैंक करवाते हैं, सेल कर देते हैं, साइटें बनाते हैं, रैंक करवाते हैं, सेल कर देते हैं, उनको जल्दी एकदम से बड़ी अमाउंट मिल जाती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस साइट को लेके चलते हो, यानी कि पर मंथ का उससे कमाना चाहते हो, या आप एक ही दफा बेच के उससे जो है वो इकट्ठे पैसे लेके और उससे बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, जो बिजनेस बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे थे। एसईओ की तो आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह A to Z समझ आ जाएगी, मगर अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते हो तो ये बड़ा आसान तरीकाकार है पैसे जनरेट करने का, जल्दी पैसे जनरेट करने का। ठीक है, तो ये हो गया नीच के आइडियाज प्लस कंपेटिटर एनालिसिस के लिए, कि आपने कैसे जो है वो कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करने हैं और नीच का आइडिया आपने कैसे लेना है। अब मैं आपको कुछ मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसको आपने समझना जरूरी है। कंट्री वाइज एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल गूगल जो पाकिस्तान में है, गूगल वो है पीके एक्सटेंशन से बोलता है, लाइक आप ओपन करोगे google.com.pk, ठीक, और आप फॉर एग्जाम्पल कनाडा में google.ca, USA में google.com, इंडिया में google.co.in और UAE में google.ae, इस तरह। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कीवर्ड रिसर्च का, कि हमने वर्ल्ड वाइड टारगेट नहीं करना, हमने एक स्पेसिफिक कंट्री को लेके चलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि गूगल एडसेंस यूएसए में अच्छा सीपीसी देता है, यानी कि पर क्लिक हमें अच्छा मिलता है, पर 1,000 इंप्रेशन हमें अच्छा मिलता है, तो आपने बेसिकली उसको जहन में रखते हुए आपने एक कंट्री सिलेक्ट कर ली, ताकि आप जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपके लिए कीवर्ड ढूंढना आसान हो जाए। नीच सेलेक्ट करना सबसे मेन आपका टारगेट होना चाहिए। कल के लेक्चर से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देनी है ईमेल पे, और मुझे व्हाट्सएप पे बता भी देना है। और दूसरे नंबर पे आपने ये जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 बताई है, और जो असाइनमेंट नहीं करेगा उसको एसईओ की समझ नहीं आएगी। मेरी ट्रेनिंग में स्टूडेंट 3 महीने 3.5 महीने बिल्कुल मसरूफ रहते हैं, उनके पास सर खुजालने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि असाइनमेंट पे असाइनमेंट होती है और वो करते जा रहे होते हैं और उनको एसईओ की समझ आती जा रही होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को जो है एडसेंस का गोल्डन नगेट फार्मूला प्लस
आपने जो अपने कीवर्ड्स निकालने हैं, विनिंग कीवर्ड्स। वो कैसे निकालते, ठीक है, ये इसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह कल गाइड करूंगा, कल 8 o'clock, अगर इंशाल्लाह कोई इशू ना हुआ, जैसे टेक्निकली कोई इशू ना हुआ या लाइट का मसला ना हुआ जैसे आज हो रहा था, तो इंशाल्लाह 8 o'clock। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।